चलिए आज मेरे साथ बनाते हैं बैंगन का भरता। बैंगन का भरता कई तरह से बनाया जाता है, काट के, बॉईल करके, लेकिन मैं इसे डायरेक्टली ये पूरे साबुत बैंगन को भून के बनाऊंगी, जैसे कि मैं हमेशा रेगुलर अपने घर में बनाती हूँ और ढाबों में और पंजाबी फैमिलीज में इसी तरह से बनाया जाता है। मैंने बैंगन को अच्छे से वॉश करके इसको ऑयल से थोड़ा सा ग्रीस कर लिया है और दोनों बैंगन में मैंने ये इस तरह से स्लिट कर लिया है। इस तरह से मैंने एक ही चीरा दे दिया है जिससे कि अंदर हम देख सकें कि बैंगन खराब तो नहीं है। दोनों में इस तरह से मैंने ये इस तरह से ऐसे आप देख सकते हैं स्लिट कर दिया इसको, और इसको अब मैं डायरेक्टली गैस पे भूनूंगी। ढाबों में तो इसे तंदूर में भुना जाता है, लेकिन हमारे पास तंदूर नहीं होता घर में, तो हम इसे गैस पे भूनेंगे। तो चलिए अब इसे भूनते हैं। मैंने दोनों बैंगन को फुल फ्लेम पे दोनों गैसेस पे रख दिया है और मुझे इसे तब तक इस तरह से ही भूनना है जब तक ये अच्छे से पूरी तरह से पक ना जाए। इससे हमारी गैस थोड़ी तो खराब हो जाती है, पर वो बाद में हम क्लीन कर सकते हैं, लेकिन इससे इस तरह से भुने हुए बैंगन का स्वाद बहुत ही टेस्टी हो जाता है। ये देखिए बैंगन भून के उनकी हालत क्या हो गई है, बिल्कुल ही अच्छे से ये तो जल गए हैं और इसी तरह से मुझे इसे जलाना था। मैंने इन्हें डायरेक्टली गैस पे भूना है, आप चाहें तो आप पापड़ रोस्टर पे भी भून सकते हैं। अब इनको अच्छे से ठंडा होने देते हैं, फिर इसके ऊपर से रनिंग वाटर में मैं ये इसके सारे ये लेयर्स अच्छे से निकाल दूंगी इस तरह से, लेकिन ठंडा होने के बाद। ये देखिए मैंने बैंगन की स्किन को उतार के उसको रनिंग वाटर में अच्छे से क्लीन कर लिया है, और क्लीन करने के बाद हमें एक बार फिर से इसकी जो ये लेयर्स बन जाती हैं, इसको इस तरह से ओपन करके चेक करना चाहिए कि अंदर कहीं ये खराब तो नहीं है, या इसमें कोई कीड़ा या फिर कुछ ऐसा तो नहीं है जिससे कि ये खाने लायक ना हो। तो अगर ये बिल्कुल ठीक हो और ये दोनों बैंगन बिल्कुल ठीक है, तो आप इसका ये जो हेड है इसको इस तरह से रिमूव कर दीजिए। हेड को हेड रिमूव करने के बाद अच्छे से इसको मैश कर दीजिए। ये बैंगन बिल्कुल तैयार है अब भरता बनाने के लिए। मैंने इन्हें अच्छे से मैश कर लिया है और इनके हेड्स भी रिमूव कर दिया है। तो चलिए अब इसकी सब्जी बनाते हैं। सब्जी बनाने के लिए मैंने कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच ऑयल लिया है और इसमें अब मैं ये प्याज ऐड कर दूंगी। ये मैंने प्याज लिया है 2 से 2.5 प्याज लिया है, जिन्हें चॉप कर लिया है और बहुत महीन चॉप नहीं किया है, थोड़े से खड़े खड़े प्याज इसमें अच्छे लगते हैं। अब डायरेक्टली इसको इसमें डाल देते हैं। थोड़े ज्यादा प्याज भी इसमें अच्छे लगते हैं। बैंगन मैंने अप्रोक्स 500 ग्राम के करीब लिया है और जिस हिसाब से मैंने ये 2 से 2.5 प्याज ले लिए हैं, अब इन्हें अच्छे से मुझे भूनना है। प्याज ने अपना कलर चेंज कर दिया है, इससे ज्यादा मुझे इसको डार्क ब्राउन नहीं करना। अब मैं इसमें ऐड करती हूँ ये टमाटर की प्यूरी। ये मैंने 2 टमाटर की प्यूरी ली है। अब इसमें ऐड करते हैं मसाले। सबसे पहले मैं डाल रही हूँ नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट, साथ में हरा धनिया पाउडर 1/2 चम्मच, हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच और कश्मीरी लाल मिर्च वो भी 1/2 चम्मच। मैं ज्यादातर अपने खाने में कश्मीरी लाल मिर्च यूज करती हूँ जिससे कि वो खाने को रंग बहुत अच्छा देती है और ज्यादा तीखी भी नहीं होती। बस इसे अच्छे से मुझे मिक्स करना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसे भूनिए। प्याज टमाटर का मसाला अच्छे से तैयार हो चुका है, तो चलिए अब इसमें ये भुने हुआ बैंगन ऐड करते हैं। बैंगन को इस तरह से मैश करते हुए मिक्स करिए जैसे कि उसके जो लंबे लंबे से स्ट्रैंड्स हैं वो अच्छे से इसमें मसाले में मिक्स हो जाएं। और अब इसे मैं ढक के रख देती हूँ 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। 10 मिनट हो चुके हैं और मैंने इसका ढक्कन हटा दिया है। जब आपको लगे कि भरता इस तरह से ऑयल छोड़ रहा है तो समझिए ये पूरी तरह से बन चुका है। और अब इसमें लास्ट में मैं ऐड करती हूँ फ्रेश धनिया। ये पूरी तरह से तैयार है सर्व करने के लिए, लेकिन लास्ट में इसमें एक मैजिक ऐड करते हैं।
खाना बनने के बाद स्पेशली भरता या कुछ ऐसी चीज जो बहुत अच्छा फ्लेवर मांगती है उसमें ऐड कीजिए ये मैगी मसाला मैजिक। इसका हाफ पाउच मैं मसाला मैजिक का ऐड कर देती हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर आप ना ऐड करना चाहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये बहुत अच्छा टेस्ट बहुत अच्छा अरोमा देता है सब्जी को। बस अब ये पूरी तरह से तैयार है तो चलिए अब इसे सर्व करते हैं। ये लीजिए तैयार है पंजाबी बैंगन का भरता। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें और अपने अच्छे अच्छे कमेंट जरूर दें। फिर मिलूंगी एक अगली नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।